अहम खबर आपको देते हैं। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में आग लगने से खातून की हलाकत। तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक खातून को आग लगाकर कत्ल किया गया। मकतूला का शोहर नजीर और सौतेला बेटा सीटीडी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक राजा नजीर ने तबस्सुम से दूसरी शादी की थी। मुलजिम अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे नोमान शेख हमारे साथ हैं। जी नोमान, क्या हम इंकशाफात सामने आए? जी बिल्कुल, ये फैक्ट्री एरिया का वाकया है जो कि गुज़िश्ता माह पेश आया था। इसमें ये पता चला था कि तबस्सुम नामी ये खातून जो है, इसकी लाश घर से मुर्दा पाई गई है और ये झुलसी हुई हालत में थी। जब इसके घर वालों को इत्तला दी गई तो जब उन्होंने आकर देखा तो इसका जो खावन था राजा नजीर, उसका ये कहना था कि ये तबस्सुम बीबी चाय बनाने गई थी और इसी दौरान इसको आग लगी और ये झुलस कर मर गई। लेकिन पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश का आगाज किया तो ये पता चला कि जो तबस्सुम बीबी है, इनकी लाश जो है वो किचन में नहीं बल्कि घर के एक कमरे में मौजूद थी, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर जो खालिद इसका भाई था उसकी एक दरखास्त ली और उसकी जो मुकदमा है उसकी मुदय्यत में दर्ज किया। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की जानिब इसका नोटिस लिया गया था और एसपी कैंट अवैध शफीक ने तमाम तरह इस केस की निगरानी की, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश करते हुए दो मुलजिमान जिनमें राजा नजीर और इसका बेटा हुमायूं शामिल है, इसको गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ फैक्ट्री एरिया वजीर हसन के मुताबिक जो राजा नजीर है, अभी तक पुलिस का यही पुलिस को कभी शवाहिद मिले हैं कि राजा नजीर ने इसको आग लगाई और इसमें इसका बेटा जो सीटीडी इंस्पेक्टर है हुमायूं, वो भी साथ शामिल था। पुलिस का ये कहना है कि ये इनका पहले भी घर में झगड़ा रहता था। 2018 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद जो राजा नजीर है ये तबस्सुम बीबी को मारता भी रहता था और तबस्सुम बीबी ने इसे उला लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन दोबारा घर वालों ने आके पैचअप करवा दिया था और ये फिर रहने लगे। और इसी दौरान ये इनका कोई आपस में दोबारा दिसंबर में झगड़ा हुआ, जिस पर राजा नजीर ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस पर पेट्रोल छिड़का और इसको आग लगा दी और इस तमाम तर जो वाक्य को है एक ड्रामाई अंदाज में पेश करने की कोशिश की कि ये हादसा पेश आया है। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर जब किया तो उसको बहुत से ऐसे शवाहिद मिले जिनको इकट्ठे करते करते पुलिस ने जो है दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जी नोमान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।